नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान फिर से किसान पाठशाला प्लेटफॉर्म पर बलराम किसान जी के साथ में आज आया हूँ मुक्ताई नगर सुकड़ी। पिछला भी एक वीडियो डाला हुआ है यहाँ पे, जो गर्मी के मौसम में लगा हुआ था, जून के फर्स्ट वीक में लगा हुआ है शायद। 70-30 कंसेप्ट यहाँ पे प्लांट लगा हुआ है, रेवा G9, नाली, पाली और फिर नाली। आपको दिखा दूँ कि ये क्रॉस में दिखेगा आपको ऐसा, और सीधे में ये दिखा देता हूँ। लगभग लगभग मेरे हिसाब से 5 महीने हो गए हैं, लेकिन पौधे के तने की मोटाई, नीचे तक के पत्ते ग्रीन है और हाइट हेल्थ भी एकदम बढ़िया है। पूरा 100 गाइडलाइन शेड्यूल इन्होंने फॉलो किया हुआ है। बी किसान का किसान मित्र भी है। पिछले 2 दिनों में करपा और सिगाटो का काफ़ी मात्रा में आया हुआ है। अभी तक 3-4 दिन में नहीं था, लेकिन 4 दिन में इतना भयंकर तेज़ी से स्प्रेड हुआ है, इसलिए इन्होंने फ़ोन कॉल करके हमें बुलाया था। ये किसान मित्र से सुनते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते। आपका नाम परिचय बताइए। मेरा नाम टेनुराम सुभाष भास्कर है। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये रेवा G9 है वैरायटी, और ये 1 जून की प्लांटेशन है। अच्छा, 1 जून 2022। 70-30 कंसेप्ट। ओके, आप तो देख ही रहे कि 70% जगह प्लांट के लिए, रूट को चाल करने के लिए, और 30% जगह जो हम खेत में हर रोज काम करते हैं उसको चलने के लिए दी। अच्छा, और फर्टिगेशन शेड्यूल चार्ट के हिसाब से ही आप चल रहे हो? यस, ये जो BSF का जो फर्टिगेशन चार्ट है उसके हिसाब से डॉट टू डॉट चल रहे हैं अभी तक। काफ़ी मेहनत ली हुई है आपने, और काका जी भी हैं मेरे साथ में। ये काम करने वाले राम 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 कृष्ण हरे राम कृष्ण। आपकी काफ़ी मेहनत रही हुई है। हाँ, है ना, दिन रात मेहनत। कैसा जानवर के मालिक है खेत के, नॉट खेत के मालिक है, समझ में आता है। पवन भाई भी है उनके साथ में। काफ़ी अच्छी मेहनत आपने ली हुई है, और आपके 5 महीने के हिसाब से ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। लेकिन ये जो आप मुझे बोल रहे हो, ये कितने दिन में स्प्रेड हुआ अभी ये जो चीज़? ये जो है लास्ट 2 या 3 डेज में इसका जो प्रमाण है वो बहुत बढ़ गया है। ये पहले नहीं के जैसा था, एकदम मिनिमम था। अच्छा, ये क्लाउडी इन्वायरमेंट बना तब से ये बहुत काफ़ी मात्रा में स्प्रेड हो गया है ना। तने की मोटाई अगर देखो, लगभग लगभग 30 के लगभग है पवन भाई, है ना, 30+ है। और हर पौधा अपने आप में अपनी मैच्योरिटी दिखा रहा है। थोड़ा सा ये करपा के लिए आपको स्प्रे वगैरह लेना पड़ेगा। हर पौधे के तने की मोटाई एकदम जबरदस्त है, रेडिश तना है ये, पत्ता फाड़ दे रहा है डायरेक्ट, एकदम बढ़िया है। थैंक यू भारत। इसके लिए अभी करना क्या है, थोड़ा सा मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ, और जो भी लोग सुन रहे हैं जिनके यहाँ पे ये स्प्रेड हो रहा है, तुरंत अभी क्या करना है इस मौसम में, 200 लीटर पानी में 300 ग्राम कार्बनडिजम मेनकोजेब कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक फफूंदी नाशक, और 200 ग्राम उसमें सुक्रोज फाइसोनोमेटा, बराबर, इसका घोल बनाना है और ड्रिप से छोड़ देना है। ड्रिप से छोड़ने के बाद में 2 से 3 दिन तक पूरा पानी बंद कर देना है, लेकिन ये छोड़ते समय ध्यान ये रखना है कि पहले बेड को थोड़ा सा गीला कर लेना है। हाँ। 2 से 3 घंटे पानी चलाना है, उसके बाद में लास्ट में जो पानी हम लोग बंद करते हैं, बंद करने से 10-15-20 मिनट पहले कार्बनडिजम मेन को जब छोड़ के फिर 2 से 3 दिन तक पानी को पूरा टोटली बंद कर देना है, ताकि नीचे से ये सिस्टम में पूरा ले ले। दूसरा इसी मिश्रण को जो टंकी में 200 लीटर में हम लोग एक के लिए जो बनाएंगे, इसी मिश्रण को 15 लीटर पंप में लेना है। लेकिन 15 लीटर पंप में लेंगे जब इसमें 1 लीटर पर ml के हिसाब में अल्कोहल इसमें मिक्स करना है ना। अल्कोहल ये आपके लोकल शराब दुकान से देसी दारू वगैरह ले सकते हो, और इसका स्प्रे कर देना है पूरे पत्तों के ऊपर, ऊपर तक जहाँ तक आपका नोजल जा रहा है तब तक पूरा रैपिडली स्प्रे करना है। रैपिडली मतलब कि पत्तों को नीचे से पूरा ये चिपक जाना चाहिए, है ना, पूरा स्प्रेड करना है। इतना करो ये तुरंत रुकेगा, और बाकी न्यूट्रिशन चार्ट तो आपके पास आया हुआ है, उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। ओके, थैंक यू भारत।